CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 4 के लिए उर्दू की पाठ्य पुस्तक इब्तदाई उर्दू के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बकरी ने दो गांव खा लिए। एक मर्तबा शाहजहां बादशाह अपने मुसाहबों के साथ जंगल में शिकार खेल रहा था। अचानक उसे एक हिरन नजर आया। उसने हिरन के पीछे घोड़ा डाल दिया। हिरन छलांगे मारता हुआ चला जा रहा था और घोड़ा आंधी और तूफान की तरह उसका पीछा कर रहा था। इस भागदौड़ में मुसाहब ना जाने कहां खो गए। बादशाह अकेला रह गया। गर्मी की चिलचिलाती दोपहर थी। बादशाह को सख्त प्यास लग रही थी। वो इधर उधर घोड़ा दौड़ाने लगा कि कहीं पानी नजर आ जाए। अचानक उसे एक झोपड़ी नजर आई। अंदर कोई है? बादशाह ने नजदीक जाकर आवाज दी। एक बूढ़ा जो देखने से चरवाहा लगता था झोपड़ी से बाहर आया। बादशाह बोला, मैं एक शिकारी हूं, सख्त प्यास लगी है, पानी पिलाओ। अंदर आ जाओ भाई, तुम्हारी प्यास जरूर बुझेगी। बादशाह झोपड़ी में दाखिल हो गया। मैं अभी आता हूं, चरवाहे ने कहा और बाहर चला गया। थोड़ी देर में मिट्टी के प्याले में वो बकरी का दूध लेकर वापस आया। बादशाह ने ताजा और मीठा दूध पिया। प्यास बुझ गई। बादशाह ताजगी महसूस करने लगा। बादशाह ने प्याला वापस करते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूं और तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। इनाम काहे का, यह तो मेरा फर्ज था। नहीं, तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। तुम्हें दो गांव जागीर में दिए जाते हैं। लाओ कागज, उस पर लिख तुम। कागज लेकर दिल्ली चले जाना और बादशाह को दिखा देना, वो तुम्हें दो गांव दे देगा। बूढ़े की आंखें हैरत से फट गईं। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरे पास कागज कहां? बादशाह ने पीपल का एक बड़ा सा पत्ता उठा लिया और उस पर लिखकर बूढ़े को देते हुए कहा, लो, ये बादशाह की खिदमत में पेश कर देना। बूढ़ा दो गांव के ख्याल में मगन था। सोच रहा था कि अब तो मजे आ जाएंगे। बस यही सोचते सोचते वो लेट गया, पत्ता फर्श पर रख दिया और ऊंघने लगा। अचानक वो तड़प कर उठ गया। एक बकरी वही पत्ता खा रही थी। हाय, तूने दो गांव खा लिए, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। बहुत देर तक वो बच्चों की तरह से सकता रहा। फिर सोचा, दिल्ली जाकर बादशाह को सारी दास्तान सुनाई जाए। हो सकता है बादशाह को तरस आ जाए और वो उसे दो गांव बख्श दे। दिल्ली पहुंचकर उसने बार बार कोशिश की कि बादशाह से मिले, मगर किसी ने किले में न घुसने दिया। पहरेदारों ने हजार बार डांट फटकार कर भगा दिया। अब तो उसकी हालत खराब हो गई, पागलों जैसा हो गया और दिल्ली की सड़कों पर चिल्लाता फिरता, हाय, बकरी ने दो गांव खा लिए, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। लोग उसे पागल समझकर हंसते थे। हाय, बकरी ने दो गांव खा लिए, मैं बर्बाद हो गया। बच्चे कंकरियां मारते, मगर वो बस यही रट लगाता रहता। बकरी ने दो गांव खा लिए,
मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। दिल्ली में लाल किले के सामने ही जामा मस्जिद है। बादशाह हर जुमे को वहां नमाज पढ़ने जाया करता था। रास्ते के दोनों तरफ लोग बादशाह के दीदार के लिए खड़े हो जाते थे। चरवाहा भी उसी रास्ते पर जाकर खड़ा हो गया। जो ही बादशाह नजदीक से गुजरा, चरवाहे की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो तो वही शख्स था जिसे उसने दूध पिलाया था। प्यासा शिकारी, वो बादशाह निकला। बूढ़ा बेख्तियार चीख उठा, बकरी ने दो गांव खा लिए, मैं बर्बाद हो गया। उसने बूढ़े की तरफ देखा और जैसे उसे उस दिन का वाकया याद आ गया, उसने मुस्कुराकर कहा, नमाज के बाद हमसे मिलो। नमाज के बाद लोगों ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। बूढ़ा देख रहा था, बादशाह के हाथ भी उठे हुए थे। उसने एक शख्स से पूछा, भला बादशाह किस से क्या मांग रहा है, उसे किस चीज की कमी है? उस शख्स ने बताया, बादशाह अपने खुदा से दुआ मांग रहा है, उस खुदा से जिसने उसे बादशाह बनाया है। बादशाह फकीर, छोटे बड़े सब उससे मांगते हैं। बूढ़ा गहरी सोच में डूब गया। बादशाह भी तो खुदा से मांग रहा है, तो मैं भी क्यों ना उसी से मांगूं? बादशाह के सामने हाथ क्यों फैलाऊं? मैं जाता हूं, जो बादशाह को देता है वही मुझे भी देगा। मश्क, लव्स और मानी। मुसाहब, बादशाह के दरबारी। जागीर, वो जमीन या गांव जो बादशाहों या नवाबों की तरफ से दी जाए। फर्श, जमीन। दर्दनाक, दर्द से भरा हुआ। बख्श देना, दे देना, दान कर देना। दीदार, मुलाकात, दर्शन। आंखें फटी की फटी रह जाना, मुहावरा। हैरत ज़दा रह जाना। बे इख्तियार, बेकाबू। गौर कीजिए, घर आए मेहमान से इज्जत से पेश आना चाहिए और उसकी खातिर तवाज़े करनी चाहिए। नेकी का बदला नेकी होता है। असल देने वाला खुदा है, वही बादशाह और फकीर सबको देता है, इसलिए सबको उसी से मांगना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बकरी ने दो गांव खा लिए। अकादमिक समन्वय प्रोफेसर मोहम्मद मुजामुद्दीन। ध्वन्यांकन बटी लैंगलिंगडो। वाचन स्वर शमाइला परवेज और परवेज गौहर। निर्माण सहयोग जगबंधु जाना। परामर्श अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।